दुर्ग मालवीय नगर स्थित होटल फोर सीजन के सामने बीती रात पुलिस आरक्षक के साथ हुई मारपीट में आरक्षक ने संजय बिहारी के नाम से FIR दर्ज कराई। वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर होटल को सील बंद कर दिया गया। दुर्ग के मालवीय नगर में स्थित होटल फोर सीजन के सामने वार्ड 23 दीपक नगर दुर्ग का रहने वाला पुलिस विभाग के दुर्ग जिला के रक्षित केंद्र में आरक्षक के पद पर कार्यरत है, जिसे सोमवार की रात किसी वजह से वाद विवाद हो गया और किसी ने आरक्षक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे डाला, जिस पर पीड़ित आरक्षक राजीव रंजन सिंह ने होटल संचालक संजय बिहारी पर होटल के सामने खड़े लोगों से पिटवाने का आरोप लगाया। इस संबंध में दुर्ग CSP चिराग जैन ने प्रतिक्रिया दी। मामला है कि होटल के सामने एक घटना हुई है, मारपीट की घटना। उसमें होटल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हीं का नाम आ रहा है, और इसमें हम जब पुलिस टीम यहाँ पहुँची और CCTV फुटेज देखने के लिए बोला गया, तो इनके द्वारा CCTV फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है, बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया जा रहा है, एविडेंस अंदर है। तो अभी एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए पुलिस द्वारा होटल को अभी सील किया गया है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी उचित तथ्य आएंगे उसके हिसाब से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है एक राजीव नाम का व्यक्ति है, उसके साथ मारपीट की गई है। इस मामले में रात को ही पुलिस ने देर रात संजय बिहारी के होटल को CCTV फुटेज नहीं मिलने पर सील कर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। इसके साथ ही आज दुर्ग पुलिस दोबारा होटल पहुंची और CCTV फुटेज को खंगालने लगी, जिसके बाद फुटेज देख पुलिस भी अब मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। आपको बता दें कि आरक्षक की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरक्षक राजीव बदमाश संजय बिहारी के होटल के बाहर रोड पर दोनों के मध्य विवाद होता दिख रहा है। इसी बीच कुछ युवक ने आरक्षक के कार में वापस बैठने के दौरान मारपीट की है। इस मामले में होटल संचालिका संजय बिहारी की पत्नी ने आरक्षक पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। ये राजीव रंजन सिंह है, जिससे हम लोग का पुराना विवाद है, वो हमारे परिवार के रिलेशन से भी लगते हैं। वो आए दिन मेरे पति से पैसा वसूली के लिए मांगते रहते हैं आए दिन। आज भी मेरे पति होटल के गेट के सामने खड़े थे, वो आया जबरन का पैसा वसूली के मांगने लगा, बोलता है 5,000 दो नहीं तो केस में फंसा दूंगा, और गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे जब पब्लिक भी आके समझाने लगी तो वो पब्लिक से भी गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे पब्लिक से हाथापाई हो गई और उसी में क्या किया, वो मेरे पति के ऊपर जाके झूठा की रिपोर्ट लिखा दिया और उस चक्कर में मेरे होटल में यहाँ पे सील कर दिए पुलिस वाले। मैं भी गई थी आवेदन देने, वहाँ पे मुझे बदतमीजी से भगा दिया गया, बोला कि तुमने यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको यहाँ बैठा देंगे। यहाँ भी कई बार बात करना चाहिए, मैं से बात नहीं कर पाए। पहले पता नहीं था कि कैमरे का जो DVR है वो कहाँ पे है, जब पता चला चाबी वाबी का व्यवस्था हुआ, मैं बोली सर मैडम SP साहब को भी बोली, TI मैडम को भी बोली कि हम लोग कॉर्पोरेट करने को तैयार है, आप लोग कोई कैमरा ऑपरेटर बुला दो तो हम लोग कैमरा दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया, उन लोग होटल सील करके चले गए। स्टाफ लोग को भी लेके चले गए हैं और एक हमारे परिचित है नरेंद्र भैया, उनको भी जबरन ले गए हैं। वो बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है और राजीव रंजन एक सिपाही है और पुलिस होने के नाते के कारण जबरन हमेशा मतलब कि निर्दोष लोगों को फंसाते रहता है और हम लोग के तो पीछे पड़े रहता है। ये सबके अवैध वसूली करना, किसी को भी धमकाना, पुलिस होने का रौब दिखाते रहता है हमेशा। बहरहाल अब दुर्ग पुलिस को ये देखना होगा कि इस घटना में संजय बिहारी दोषी है या पुलिस आरक्षक। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।